ओके इस फोन को देखो। What? आज हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। मैं इस फोन की बात कर रहा हूँ। मजा आया। फोन का नाम ही है कुछ नहीं, नथिंग फोन विद एंड्रॉइड 30। गुड या बैड? सब्र करो, सब बताऊंगा यार। ये फोन 2022 का मोस्ट हाइप फोन है। बहुत सारे इस फोन में बग्स थे, लेकिन अब इस फोन में आ चुका है एंड्रॉइड 13 का अपडेट। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये देखो नथिंग ओएस 1.5 है और ये बेस है एंड्रॉइड 13 पे। तो यही राइट टाइम है इस फोन का एक लॉन्ग टर्म टेस्ट करने का। जिंदगी का असली मजा फोन टेस्ट करने में ही है। तो सबसे पहले इसके मैं डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा, बिल्ड क्वालिटी, लुक को लेके। मैं इस फोन को 4.5 स्टार के साथ अपना एक देना चाहूंगा। एंड्रॉइड फोन की दुनिया में कुछ हटके थोड़ा यूनिक डिजाइन लेके आया है। फोन का डिजाइन, लुक, इनहान फील सो गुड। फोन देखने में एकदम हटके लगता है, लेकिन ये जो ग्लिफ लाइट है ना, याद है वो बचपन में फोन यूज क्या करते थे? चल छैया छैया छैया। प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो ग्लिफ लाइट है इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगता। ये चीज में कभी कभी अच्छा लगता है, बट हर बार। इसका जो डिस्प्ले है ये एक ओलेड डिस्प्ले है HDR 10 प्लस के साथ। डिस्प्ले क्वालिटी इज रियली गुड। ये ओलेड डिस्प्ले है तो कलर्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, बट कुछ लोगों को इसके डिस्प्ले में ग्रीन टिंट इशू देखने को मिल रहा था एंड एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इशू भी आया था। एंड सच बताऊं तो मुझे ऐसा कोई ग्रीन टिंट इशू देखने को नहीं मिला। जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला बग था वो चीज फिक्स कर दिया है यहाँ पर नथिंग वालों ने। सो इसके लिए नथिंग को थम्स अप। बाकी ये 120 हर्ट्ज काफी स्मूथ फील होता है। ये देखो बिल्कुल डीजे उन्होंने जो ये 2 मेगापिक्सल कैमरे को ऐसे भगाया है ना, फालतू कोई नाम का कैमरा नहीं है, काम का कैमरा है। और बाकी फ्रंट 16 मेगापिक्सल का है। एंड कैमरे को मैंने जितना भी टेस्ट किया है, मैं इतना कहूंगा समय के साथ साथ कैमरे में काफी इंप्रूवमेंट आया है। एक ये देखो फोटो लेते हैं इनकी। अरे ये 2x, ओहो क्या बात है। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में कैमरा फ्लिकर कर रहा है। ये देखो भाई साहब आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में फोटोज, ओहो हो क्या बात है। डिटेल्स देखो, जूम करने पे भी पिक्सल्स नहीं फटते हैं, कलर्स बहुत ही नेचुरल रखा है। ये देखो आई एम इम्प्रेस विद द पिक्चर क्वालिटी। नथिंग वाले ने कैमरे में थोड़े से इंप्रूवमेंट किए हैं, कुछ अपडेट्स दिए थे, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कैमरे में काफी इंप्रूवमेंट आया है। और ये फोटो देखो, ये आउटडोर साइड में हमने अपनी ली, अपनी खुद की लेना दोस्तों सबसे बड़ी कला है। इतना आसान नहीं है। ये देखो फोटोज, कोई ऐसे फोटो ले सकता है अपनी? एक चीज कहूंगा यार, जो स्किन टोन निकल के आते हैं बहुत ही प्यारे हैं, एकदम वेल बैलेंस है, ऐसा कोई ओवर सैचुरेटेड नहीं है। छोटी छोटी जो मूछे गिनी चुनी आते हैं वो भी दिखा देता है। देख रहा है विनोद मेरी मूछे दिखा दे रहा है, इसका मतलब समझते हो कैमरा बढ़िया है। बट एक बग मुझे अभी भी देखने को मिला इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे में। मैं आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। ये मैं आउटडोर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से कुछ फोटोज ले रहा था। स्क्रीन में देखो देखने में डायनेमिक रेंज कितना प्यारा लग रहा था, पर जैसे आप फोटोज क्लिक करते हो उसके जो फोटो सैंपल देखते हो भाई साहब, जो डायनेमिक रेंज है सब गायब, एकदम वाइट हो जाता है। तो इसे फिक्स करने की जरूरत है आई थिंक मेरे ख्याल से नथिंग वालों को। एंड कैमरा एक्चुअल में पहले के मुकाबले इंप्रूव हुआ जितना भी टेस्ट किया है। एक सेल्फी भी ले लेते हैं यार, और यार सेल्फी भी बहुत प्यारे निकल के आते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट टच है सेल्फी में, बट स्किन टोन अच्छे हैं, कलर्स अच्छे दे देता है। सेल्फी में जो डायनेमिक रेंज है, जो एजेस है वो भी काफी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। थोड़ा सा यहाँ पे एजेस बेटर हो सकता है। ये देखो यहाँ पर एजेस अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाए, बाकी सेल्फी अच्छे निकल के आते हैं। बाकी इसमें जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 778G+, ये प्रोसेसर काफी अच्छा है, पावरफुल है डे टू डे लाइफ यूजेज के लिए, इवन फॉर गेमिंग। ये देखो ये अपडेट से पहले का एंड्रॉइड स्कोर है 5,83,000 प्लस, और ये अपडेट के बाद का स्कोर है 5,85,000 प्लस। एंड्रॉइड स्कोर में थोड़ा सा चेंज तो आया है। बाकी इसका थ्रॉटल टेस्ट भी किया था और सीपीयू थ्रॉटल 95% निकल के आया है। थ्रॉटलिंग बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है, बट असली मजा खेल के ही आता है ना। जिंदगी का असली मजा भाई साहब खेलने में ही है, जिस तरह से जिंदगी हमारे साथ खेल रही है। अगर ग्राफिक्स देखते हैं तो देखो ग्राफिक्स में स्मूथ एक्सट्रीम पे गेम प्ले कर सकते हो, स्मूथ है, HDR भी है, अल्ट्रा HD नहीं है, HDR मैक्सिमम है, स्मूथ और एक्सट्रीम पे गेम कर सकते हो। और एक चीज कहना पड़ेगा यार, ग्राफिक्स बहुत ही स्मूथ है। ये देखो ओ अरे हो जाती है। ओके भाई ओ जंगल में सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर जाग गया तो फाड़ देगा। हल्का यहाँ पे वार्म फील हो रहा है। देखो चल पहली फुर्सत पे निकल। रुक जाओ। सांस ले ले, मेरी सांस जा रही है। भाई साहब ग्राफिक्स बहुत तगड़े हैं, स्मूथ है, ऐसा कोई भी फ्रेम लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं है, एकदम मक्खन की तरह चल रहा है गेम। नथिंग वालों ने एक चीज कहा है कि नथिंग ओएस 1.5 यानी कि एंड्रॉइड 13 के साथ इसका जो एप्स लोड है वो 50% फास्टर हो गया है। ये पहले मैं सारे एप्स को क्लोज कर देता हूँ। एक तो इसमें सारे एप्स को क्लोज करने का ऑप्शन नहीं, एकदम सारे एप्स क्लोज करना है तो यहाँ पे लास्ट पे आना पड़ेगा। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट ऐप ओपन कर लेते हैं। क्या फास्ट
फास्ट ओपन हो रहा है। अबे बजा आएगा ना भिड़ो। क्रोम तो बहुत फास्ट ओपन हो रहा है। प्ले स्टोर ओपन करते हैं। ओके ये भी फास्ट है। तो यार एक चीज नोटिस करिए, लाइक पहले मैंने मल्टीटास्किंग चेक किया था तो जो एप्स है बस वो फास्ट थे, बट अभी ये 50% फास्ट बोल रहा है, तो डेफिनेटली कहूंगा भाई वो चीज़ यहाँ पे नोटिस होती है जब आप ऐप्स को ओपन करते हो, ये एकदम फास्ट ओपन होते हैं। ये देखो एक ग्लिच दिखा भी आपको यहाँ पे थोड़ा। ऐसा मानना पड़ेगा जो मल्टीटास्किंग है और ज्यादा स्मूथ हो गई है, ऐप्स सच में भाई सब फास्ट अपलोड होते हैं। बाकी इस अपडेट के साथ इन्होंने सेल्फ रिपेयर एक फीचर भी लेके आया है नथिंग फोन 1 में। किसे कहता है ये फीचर क्लीनर ऐप की तरह काम करता है। बाकी नेटवर्क में ये मुझे 4G प्लस दे रहा है। हालांकि ये फोन 5G को सपोर्ट करता है, सारे 5G बैंड्स भी हैं, बट मुझे इसमें कोई 5G नेटवर्क नहीं मिला जबकि मेरे एरिया में 5G सपोर्ट करता है। बाकी कॉल क्वालिटी, कनेक्टिविटी, वाईफाई में, कॉलिंग में कोई इशू नहीं आया मुझे। बाकी जो अपडेट आया है नथिंग OS 1.5 अपडेट Android 13 पे बेस है एंड ये अपडेट मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। आपको एक और नया फीचर मिल जाएगा QR कोड स्कैन, और देखिए लाइव कैप्शन भी है। Android 13 का जो स्टेबल अपडेट है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। I know, बहुत से लोग नथिंग फोन 2 का वेट कर रहे हैं, लेकिन काल पाई ने सीधा सीधा कह दिया कि नथिंग फोन 2 इतनी जल्दी नहीं आ रहा। फिलहाल उनका जो फोकस है वो फोन में सॉफ्टवेयर को और बेटर करने पे है। एंड सच बताऊं ना, ये स्टेटमेंट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वरना यूजली क्या होता है, दूसरे जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन ब्रांड है वो हमेशा नए नए फोन लॉन्चेस करने में बिजी रहते हैं, बट नथिंग वाले सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और डे बाय डे इसको बेटर करने पे ध्यान दे रहे हैं। तो नथिंग वालों यार, इसमें जो बैटरी है 4500 mAh की बैटरी से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एक दिन का बैटरी बैकअप आपको इजीली दे देता है। बट बस एक ही कमी की बॉक्स के साथ आपको चार्जर नहीं मिलता, आपको अलग से चार्जर लेना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर मुझे एक लाइन में कहना हो नथिंग फोन 1 को लेके, तो मैं ये कहना चाहूंगा नथिंग फोन 1 इज गेटिंग बेटर विद एंड्रॉइड 13। तो ये नथिंग OS 1.5 है एंड्रॉइड 13 के साथ। इस अपडेट ने काफी हद तक फोन में बहुत सारे जो बग्स थे उसे फिक्स कर दिया है, पर हां अभी भी कुछ हल्के फुल्के छोटे मोटे बग्स हैं। बट ओवरऑल फोन में जो चेंजेस आए हैं, जो अपडेट्स आए हैं, उस बेस पे मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा ये जो फोन है अब बेस्ट स्मार्टफोन की कैटेगरी में आ जाता है। बट वेट, अगर आप नथिंग फोन यूजर हो कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। लॉन्ग टर्म में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फोन के साथ, लाइक बटन दिख रहा है दबा देना, शेयर कर देना। तो मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।